नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने काबुल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 19 नागरिकों की जान चली गई थी। पीएम मोदी ने आज एनटीपीसी की 5200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और बोले, पावर सेक्टर भारत की प्रगति को नई गति देगा। पीएम मोदी ने आज प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका से कानूनी सहायता का इंतजार कर रहे विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाने का आग्रह किया। कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता के हत्या मामले में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बेंगलुरु में अब 1 अगस्त की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का दौर जारी है। जहां मौसम विभाग की माने तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी बारिश होती रहेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि उसके निर्देशित मिसाइल युद्धपोत INS तरकस ने अपनी भूमध्य सागरीय तैनाती पूरी की और अपनी लंबी दूरी की यात्रा जारी रखने के लिए अटलांटिक में प्रवेश किया। दरअसल INS तरकस आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 15 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो का दौरा करने के लिए दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर है। तेलंगाना कांग्रेस से बागी विधायक राजगोपाल रेड्डी देंगे कांग्रेस को बड़ा झटका, जहां जल्द ही बीजेपी में अपने समर्थकों के साथ शामिल हो सकते हैं। चीफ जस्टिस NV रमना ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय की आस लेकर कोर्ट में पहुंचने वालों की संख्या काफ़ी कम होती है। अधिकतर लोग जानकारी के अभाव में दर्द सहने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु की एक महिला से कहा कि वह अपने 11 वर्षीय बेटे के हित और भलाई को देखते हुए उसे उसके पिता को सौंप दें और उसका अमेरिका चला जाना सुनिश्चित करें। बता दें कि महिला का पूर्व पति अमेरिका का नागरिक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से विपक्षी पार्टी AIUDF ने आग्रह करते हुए कहा कि करीमगंज जिले में जमीन के सही कागजात होने के बावजूद निकाले गए लोगों को पर्याप्त मुआवजा दी जाए, ताकि वे अपने मकानों को फिर से बनवा सके। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में DIG बंगले के पास हॉस्पिटल के बाहर फायरिंग हुई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं मामले में पुलिस ने 4 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पटना में भाजपा के सभी 7 मोर्चों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के रोड शो में पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई, जहां पटना एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े दिग्गज नेता JP नड्डा का स्वागत किया। दिल्ली की नई आबकारी नीति पर संग्राम जारी है, जहां उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोले, शराब दुकानदारों को CBI और ED का डर दिखा रही है BJP। गृहमंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ पहुंचे, जहां NCB कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कुछ स्कूलों का उद्घाटन भी किया। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई, जहां कैबिनेट ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन में देरी पर अब जुर्माना 5 गुना कम देना होगा। उत्तराखंड भाजपा में बड़ा बदलाव किया गया, जहां भाजपा ने पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को भाजपा का उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। झारखंड के साहेबगंज में अवैध खनन व परिवहन की जांच कर रही ED ने ट्रांसपोर्टर सह पत्थर कारोबारी बच्चू यादव को भी नोटिस थमा दिया है। उन्हें 4 अगस्त तक ED कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 2 दिवसीय 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज से राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में शुरू हो गया है, जहां इस सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय नेताओं के साथ CM बघेल और प्रभारी PL पुनिया भी उपस्थित रहे।
मध्य प्रदेश के भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच तीखी तकरार हुई। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पुलिस का कॉलर पकड़ने का एक फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने आज अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान सराय क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। बाद में मुख्यमंत्री कलाकारों के साथ झूमते नजर आए। ईडी ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कम 3 बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां उन्हें कम से कम 2 करोड़ रुपए मिले। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का आज 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। जहां 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। गुजरात के अहमदाबाद की एक सत्र अदालत आज सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवार और पूर्व डीजीपी आरवी श्री कुमार की जमानत याचिकाओं को खारिज कर सकती है, जिन्हें 2002 के दंगों के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान के कोटा में एक अस्पताल की लापरवाही और समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण एक बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई, जहां परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली परिवहन निगम में महिला बस ड्राइवर की भर्ती निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dtcdriver.rp.com पर 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।